कितना अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे। यही एक जगह है जहाँ पे मैं रात में आके नीचे देखता हूँ और मुझे बहुत खुशी मिलती है कि यहाँ पे बहुत शांति है। एक मिनट ऑन स्पॉट, वो भी इतनी रात में, कोई दिक्कत है क्या? अरे काम पे भाई, मेरी मदद करो भाई, मेरा सारा सामान पता नहीं कहाँ चला गया अपने आप ही। और भाई पता नहीं, लिटरली मेरा पता नहीं कहाँ चला गया, गायब हो गया। समय था जब मैं अपने सर्वर में घूम रहा था, बट मुझे आगे जाके ऐसी चीज दिखी जो मुझे बहुत ही ज्यादा डरा देती है। वो सब आप लोग भी देख लो। और यहाँ पे मेरी नज़र ऊपर पड़ती है, तभी मैंने देखा एक वहाँ पे वुड लगी पड़ी है लाइन से। तभी मैं थोड़ा जल्दी जाके ऊपर देखता हूँ और ये क्या चीज है, ये तो मैंने कभी नहीं बनाया था अपने वर्ल्ड में, ना सर्वर में, ना मेरे किसी मेंबर ने बनाया है। और ये कैसी चीज़ आ चुकी है अचानक से यहाँ पे, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसका, ये कोई तो कर रहा है। आप तो कुछ हो तो मुझे प्लीज दे दो, मैं बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। अरे हंसपॉट, इतना डरे हो क्यों और क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं, पहले तुम लोग खाना खाओ फिर मुझे बताना आराम से। लो पहले खाना खाओ फिर मुझे बताना, ठीक है? एंड मुझे तुम्हारा शक्ल देख कैसे लग रही है कि तुम्हारे सामने कोई भूत आ गया है। लो पहले खाना खाओ। कोई बात नहीं, मेरे पे एक एक्स्ट्रा आर्मर था, शायद वो तुम्हारे लिए था, पता नहीं कैसे मेरे पे रखा हुआ था। तो लो इसे पहनो और डरो मत ज्यादा। कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि ये हमारे वैसे भी आजकल कुछ हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है किसी को कि क्या हो रहा है हमारे साथ, बहुत ही ज्यादा मुश्किल आ गई है। आप डरो मत, हम इसका पता लगा लेंगे, आप आराम से घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हम लोग इसका पता लगाएंगे जरूर। थैंक यू गाइस, मैं आप चलता हूं और आपको आपके मतलब मदद से मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। चलो बाय बाय, मैं जा रहा हूं। अनस्पॉट ऐसे क्यों बोल रहा था जैसे उसके उसके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया, बट वो बता भी तो नहीं रहा था कि किसने अटैक किया। मुझे लगता है ये उन्हीं बंदों की करामत है जो हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, जिन्होंने हमारा बहुत जीना आराम कर रखा है। वही अनस्पॉट के साथ भी उसने उन्हीं लोगों ने कुछ किया होगा। स्विन भाई क्या प्रॉब्लम है, आप इतना डरे हुए क्यों और इतने जल्दीबाजी में क्यों, मुझे बताओ क्या हुआ? आओ चलो, आप थक गए होगे लग रहा है मुझे, चलो बैठ के बात करते हैं। अश्विन भाई को अचानक से इतना ज्यादा डर कैसे लगा, ऐसी कौन सी चीज बहुत बुरा काम कर दिया हमारे सर, बहुत बुरा काम कर दिया, उसका पता हमें जरूर जल्दी लगाना पड़ेगा। पहले ऑन स्पॉट अब अश्विन भाई ऐसी क्या चीज डरा, अरे काफी भाई, हम जब पिछली बार गए थे जहाँ पे, वहाँ पे अचानक से बहुत सारे बिल्ड्स हो चुके हैं और बहुत ज्यादा स्कैरी है, और वहाँ पे कोई रहता भी नहीं है। मैं अभी देख के मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मैं उसको आपको बताया जाए ये बात है, एंड उस बंदे का कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो भाई मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अरे अश्विन भाई आप होश में तो हो, आप सोए भी हो रात में या फिर आपने बुरा सपना देखा है सिर्फ? कोई इतनी जल्दी इतने सारे बिल्ड कैसे बना सकता है? हम लोग बहुत ही कम टाइम में तो गए थे उस जगह पे अभी घूमने, लिटरली कोई ऐसे कैसे हो सकता है? अश्विन आपकी भाई नींद पूरी नहीं हुई लग रहा है मुझे, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मुझे पता था आपको विश्वास नहीं होगा, तभी मैं आपको दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। ओके चलो, अब हम लोग देख ही लेते हैं क्या बनाया उसने दोबारा से। तो हम लोग यार यहाँ पे से तो रेडी हो जाते जाने के लिए, बट मुझे तब भी एक चिंता थी कि वहाँ पे जाके हमें कोई ना प्रॉब्लम हो एंड हमारे रास्ते में सब कुछ ठीक जाए, मतलब कि लिटरली जब ज़्यादा हमारे साथ प्रॉब्लम ना हो रास्ते में, क्योंकि वो बंदा हमें चारों तरफ से देख ही रहा है, हम पे नज़र रख रहा है, देख ही रहा है। तो लिटरली वो बंदा कहाँ पे है ये हमें भी नहीं पता है, बट उसे पता है कि हम कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं, वो हमारी बातें सुन रहा है। क्योंकि पिछली बार हमारे साथ यही हुआ था, हमने जो भी प्लान बनाया था आपस में उसको पता चल गया था, तो लिटरली वो बात ये सुन रहा हो ताकि वो हमारे बिल्ड में मतलब हम जहाँ जा रहे देखने के लिए वहाँ पे वो हमें मार ना ले। तो मुझे बहुत डर लग रहा है एंड मुझे डर डर के जा रहे हैं, और वो बिल्ड भी देखना जरूरी है ताकि कि उसने क्या बना रखा है एंड जो मेरा हमारे डार्क पीस को बहुत बर्बाद कर रहे थे, हमें उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
वो आखिरकार हमें जानता है बट हम लोग नहीं जानते उसे। तो हम लोग बातें करते करते अपने घर तक तो पहुँच गए बट यहाँ से सुना होता है इसलिए समझा क्योंकि वो जगह से कोसों दूर है तो उसे पैदल पार करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है बट हमारे पास कोई साधन भी नहीं था। हम घर तक तो आ गए बट मैं एक चीज़ बहुत नोटिस कर रहा था हमारे पास मॉब बहुत आ रहे हैं कहीं मुझे शक है कि मॉब कोई तो नहीं भेजा और लिटरली हमारी जान के पीछे पड़े थे हमारी जान के पीछे। अश्विन भाई ने तो मुझे बचा लिया यहाँ पे क्योंकि एक मॉब मेरे पीछे आ रहा था। हम यहाँ से शुरू करेंगे सफर अपना एंड आगे देखेंगे क्या होता है हमारे साथ क्या होता है। अब हमारा सफर होता है और हमारे सफर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएगी आगे जाके जिससे हमें बचना है चलते चलते हमारा आधे ज़्यादा सफर बीत चुका था और हम अपनी मंजिल से बस थोड़ी सी दूर थे। और यहाँ पे हम लोगों को चलते चलते थोड़ी सी थक गए थे हम लोग थोड़े से और हम लोगों ने सोचा कि हम लोग आराम कर देना चाहिए बट मैं यार अपने मन ही मन में डरता था कि आगे जाके क्या होगा। बार बार अश्विन भाई की बातें सुनते तो मेरे दिमाग में वही चल रही थी जिसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। बहुत ज़्यादा चलने के बाद अब धीरे धीरे सूरज ढल रहा था और मुझे डर था कि रात में हमारे साथ कुछ ना हो जाए क्योंकि मैं पूरे रास्ते डरते डरते आया और हमारी मंजिल बस थोड़ी सी और हम लोग फाइनली वहाँ तक पहुँच गए। वहाँ पे मैंने कुछ ऐसा चीज़ देखा जिसको देख के मेरे को बहुत डर लगा। मैं इंस्पेक्ट नहीं कर सकता कि इतने जल्दी कोई कर सकता है कुछ भी। आप लोग भी देखो हमारी सोचने की लिमिट एकदम से कम हो गई। कोई बंदा इतना तगड़ा कैसे बना सकता है वो भी इतनी जल्दी मुझे अब धीरे धीरे और जा रहे थे। हम लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या करना जाए और मैं तो भाई बहुत डर गया था ये सब देख के। एंड अश्विन भाई ने आज सुबह यहीं पे टहल रहे थे एंड मैंने भी पहली बार उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया बट ये सच था अब मुझे बहुत डर लग रहा है धीरे धीरे और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एंड एक जगह से दिमाग हटाई था तभी मैंने देखा कि और भी एक घर बना हुआ है जिसमें लिटरली कोई नहीं रहता और उसमें अंधेरा बहुत बड़ा था। इसमें मैं समझना भाई बहुत ज़्यादा मैं डर गया था। अंदर एकदम अंधेरा वही रहने की उम्मीद भी कैसे कर सकता है अंधेरे में। मुझे तो सोच के डर लगता है जब मैं अंधेरे में रहता हूँ बट अश्विन भाई ने हमें लाइट लगाई एंड हम लोग थोड़ी सी बातचीत करने लगते हैं बट मुझे तब भी शक था इस घर पे कि कोई हम पे नजर रख रहा है और कुछ ऐसे ही वो कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था एंड इसके ऊपर भी एक कमरा था। इसके ऊपर ये तीन कमरे थे लिटरली मुझे बाद में पता चला
और ये घर देखो गाइस कितना ज्यादा सुनसान है, और एरिया पे कैसे बना हुआ है, इस पे आगे पीछे हर जगह मॉल से मॉल है। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था, मेरे को एक पल भी यहाँ नहीं बैठना था, बट हमें कुछ बातचीत करनी थी जो कि बहुत ज्यादा जरूरी थी, और हम लोग सोच ही नहीं पा रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। देखो हर जगह डर आपने चीजें और मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था। यहाँ पे कोई इतना सुनसान में कैसे रह सकता है, और यहाँ पे दो घर थे, यहाँ पे एक ये वाला और एक जहाँ से हम लोग अभी आए हैं, लिटरली वहाँ पे घर नहीं था, शॉर्ट था पे घर। तो भाई हम लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ देखी ना इसके अंदर, ऐसी चीज़ जिसको देखने के बाद हमारे तो एकदम रूह खराब हुआ। लिटरली उसको देख के ऐसा लगा कि हम बस यहाँ से जल्दी चलो, बहुत हो गया। एंड यहाँ पे अश्विन भाई बैठे थे आराम से, बट मैं कोई चीज़ दिखी और मुझे भी ये ऐसा लग रहा था कोई ऊपर से हमें देख रहा है, और लिटरली हमें बहुत ज़्यादा डर लगा। ऐसा लग रहा था कि हम दोनों के अलावा जो कोई इस कमरे में है या कोई ऊपर फ्लोर पे रहता है, और लिटरली उस चीज़ को देख के एकदम से हम डर गए। फिर हमने फैसला कर लिया कि यहाँ से हमें चलना चाहिए जल्दी, हमें चलना चाहिए। इतना तो कंफर्म था कि जगह स्थापित है और कुछ ना कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, बट हम इस बात से अनजान थे। बट हमारे सामने भी कोई नहीं आ रहा था जिससे हम बता सकें वो एंटिटी है या कोई प्लेयर है जो कि हमसे बदला लेना चाहते हैं। वो हमारे पीठ पीछे काम कर रहा था, बट उसे हमारी बातें पता जा रही थी। उस जगह पे अगर हम लोग इस जगह सारी पूरी जगह पे अगर हम ज़्यादा देर तक रुकते तो यही जगह हमारी मौत का कारण बन जाती, और यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स हमसे लड़ाई कर रहे थे, और हमारे पे भागने के अलावा कोई चांस नहीं था, कोई दूसरा रास्ता था। यहाँ पे हम लोग हैंडल पल इकट्ठा करके जा ही रहे थे, और अश्विन भाई निकल चुके हैं यहाँ से, अभी अश्विन भाई बुलाएंगे कि आ जाओ भाई चलते हैं। यहाँ तो मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा डरा देता है। मैंने एक हैंडल पल फेंका और मैंने इतनी दूर आके स्पॉन हो गया जितना दूर इम्पॉसिबल हैंडल पल के लिए, मैं अपने ही गेट पे आ गया था जहाँ पे हवेली वाला गेट है, जहाँ पे लिटरली वो जगह बहुत ही ज़्यादा दूर थी उस जगह से, बट मैं यहाँ पे कैसे आ गया मुझे आज भी नहीं पता। बार बार अश्विन भाई को नीचे देख रहा था, भाई वो नीचे तो नहीं, भाई उन्होंने तो मुझे टेलीपोर्ट नहीं किया जल्दी से, बट अश्विन भाई का कोई नाम और निशान पता पता नहीं। अश्विन भाई अभी भी वहीं पे हैं, उनसे पहले मैं आ गया, बट कैसे एक हैंडल पल से इतने दूर का सफर कैसे तय करा जा सके। अब मुझे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला था, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं पूरी रात से सोया नहीं था, चक्कर आ रहे थे अब, और अचानक से अब सुबह हो जाती है, बट अश्विन भाई का कुछ अता पता नहीं, मैं यही सोचा था अश्विन भाई कहाँ पे, और फिर झटके से ही लाइटर लेके आ गए। आप यहाँ पे कैसे आ गए, मैं वहाँ पे अकेला था, मुझे बहुत डर लगा, आप भी इससे पता नहीं कहाँ चले गए थे, मैं एकदम से डर गया था कि आप कहाँ चले गए हो, मैं कसम से डर गया था। आप इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे आ गए, मैं आपको यहाँ पे ढूंढ रहा था, मुझे ये डर था कि आपकी जान को कोई खतरा तो नहीं। अपने अश्विन को मैंने देखा यहाँ पे तो मेरे जान में जान आई कि भाई मेरे छोटे भाई को कुछ हुआ तो नहीं, बट वो सही सलामत था। मुझे बहुत खुशी हुई कि उसको किसी एंटिटी या मॉब ने नहीं घायल किया, एंड लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी। एंड वो मेरे से बार बार यही पूछ रहा था कि क्राफ्टी भाई आप पहले कैसे आ गए यहाँ पे, कुछ हुआ है क्या आपके साथ, कुछ हुआ है। उसके सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मैं खुद ही बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। बीच में हमारा साथ छूट गया तो ऊपर से और मुझे डर लगने लगता कि वो बंदा किसी भी बंदे की बॉडी कंट्रोल कर सकता है, और वो किसी भी ट्रेवल करवा सकता है उसको। भाई मेरे को कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा था उस बंदे से, ज़्यादा ही डर लग रहा था। यहाँ पे मेरा अश्विन बहुत ज़्यादा गंभीर तरीके से डर गया था, यहाँ पे मेरा अश्विन डर गया था। क्राफ्टी भाई अब आपको भी नहीं पता ये कौन कर रहा है, और मुझको भी नहीं पता, अभी इसका पता सिर्फ एक ही बंदा निकाल सकता है जिसने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर को केस सॉल्व किया, जैसे सनपाई और वगैरह स्पॉटिफाई, और वही अब हमारा केस सॉल्व कर सकता है इजीली। अरे कौन है अश्विन, जल्दी मुझे बता भाई, ऐसा बंदा है तो मुझे जल्दी बता, डिटेक्टिव इसके लिए हमारी मदद कर सकते हैं। सब आखिरकार किसने किया होगा, वो भी इतनी जल्दी। मुझे जल्दी से जल्दी इसका पता लगाना पड़ेगा, वरना ये बंदा अगर कोई भी चीज हो या कोई भी मॉब या कुछ भी हो हमारे सर्वर में या वर्ल्ड में,
तो भाई वो हमें दिक्कत ना करे। और भाई पता नहीं कितने बोर्ड लगा दिए यार किसी ने, यार पता नहीं कौन माइन कर रहा है यहाँ पे यार, ये क्या हो रहा है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, इसका पता लगाना पड़ेगा जल्दी। मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गया हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, और यहाँ पे मैं कुछ समझ नहीं आया बिल्कुल भी, पर मेरे को इसका जल्दी से जल्दी पता लगाना पड़ेगा। और ये सब जानने के लिए मैंने अश्विन भाई को बुलाया। क्रांति भाई हेलो, आपको पता है मैंने सर्वर से मतलब सर्वर में कुछ अनोइंग चीजें नोटिस की रही हैं, मैं बता डर सा गया, मतलब क्या क्या हो रहा है, मतलब मैंने बहुत सारी चीजें नोटिस की हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे को पता है क्या डर अभी लग रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए अभी मैं। चलो चलो हमें दिखाओ कि क्या क्या चीजें आप लोगों ने देखी है और जो कि मैंने नहीं देखी, आपने जो जो देखा है वो मुझे सब कुछ दिखाओ। ओके, सबसे पहले तो यार ये ब्रिज आ जाता है जो कि भाई किसी और ही रैंडम किसी और ही बंदे ने बना दिया, पता नहीं बंदा या एंटिटी है, पता नहीं कौन है, मॉब है। तो सबसे पहले तो अश्विन भाई मुझे यही दिखाने लाए थे कि भाई देखो सबसे पहले यार इसी ने बनाया था, एंड अब चलते हैं हम दूसरी चीज़ देखने, एंड यहाँ पे गड्ढा किसने कर दिया यार। हम तो यार कुछ भी डिस्ट्रॉय करते हैं तो तुरंत यार बना देते हैं यार उसको, बट यार पता नहीं क्या ही हो रहा है हमारे सर्वर में आज एक दो दिन से बहुत प्रॉब्लम चल रहा है यार, पता नहीं कुछ मतलब अनोइंग सी चीज़। ओ ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा रेयर आइटम है, ये तो बहुत कम मिलता है यार, अब हम लोग तो आए नहीं जल्दी वर्ल्ड सर्वर में, तो यार ये कैसे हो गया यार, ये क्या क्या हो रहा है, कोई तो कुछ तो कर रहा है भाई, कोई तो कुछ तो कर रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा आगे आके देखो, मैंने तुम्हें पहले ही दिखाया था इंट्रो में कि यहाँ पे एक लाइन खींची गई है जो कि कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, और भाई इससे हम लोग सब परेशान हैं कि यार कोई बंदा इतना ज़्यादा बड़ी लाइन कैसे खींच सकता है, और वो भी यार हमारा पूरा लुक बेकार कर दिया है। तो कोई तो है जो हमारे पूरे सर्वर को बर्बाद करना चाहता है, तो भाई उसका हमें जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा। आई थिंक सो एपिसोड 2 में हम पता लगा लेंगे, या तो हम लोग बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करके हमें कुछ करना पड़ेगा, बट तुम लोग यार इंतजार जरूर करना है एपिसोड 2 का, ठीक है। और यहाँ पे उस लाइन का पीछा करते करते यार जो पहाड़ आता है जो कि मैंने शुरू में दिखाया था यार, ये पता नहीं किसने बनाया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है और भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी। तो भाई अश्विन भाई भी कह रहे हैं भाई अगर क्राफ्टी भाई आपने बनाया तो मुझे प्लीज़ बता दो, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा था कि भाई मैंने कुछ नहीं किया है भाई, मैं अकेले नहीं कर सकता ये सब, तो कोई तो है जो कुछ ना कुछ तो करके बहुत ही दिक्कत खड़ी कर रहा है। और भाई इसके अंदर रहता कौन होगा पता नहीं, कैसे इसका कोई एंट्री गेट भी नहीं है ना कुछ है, और भाई आधा अधूरा महल का गेट लग रहा है मुझे ये। और भाई मुझे तो देखो भाई बारिश भी हो गई, कितना ज़्यादा स्कैरी मौसम हो गया अभी का। तो भाई आगे हम लोग आते हैं थोड़ी देर, तो यहाँ पे यार कुछ ज़्यादा ही ऐसी चीज़ देख लेते हैं जिसकी हमें उम्मीद ही नहीं थी भाई यार, ऑब्सीडियन इतना मुश्किल से मिलता है। और यहाँ पे देखो भाई अभी देखना मैं अंदर जाऊँगा और फिर देखना तुम लोग, अभी माइन अश्विन भाई माइन कर रहे हैं, पहले देख रहे हैं कि भाई देखो पूरा ऑक्सीडियन से ऑक्सीडियन निकल रहा है भाई, ये क्या हो सकता है, मतलब किसी बंदे ने पूरा घर बना दिया ऑक्सीडियंस का लिटरली भाई, कोई इतना ऑक्सीडियन कैसे ला सकता है, वो भी सर्वाइवल वर्ल्ड में यार, समझ नहीं आ रहा भाई। तो इस वीडियो को यार हम लोग यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, बट यार एपिसोड 2 आएगा ज़रूर, और एपिसोड 2 में हमें पता लगाना है कि बंदा कौन है जो कर रहा है, जो हमसे दुश्मनी लेना चाहता है। तो भाई ये वाली सीरीज अभी बहुत ज़्यादा तगड़ी होने वाली है आगे जाके, तो तुम लोग यार इंतजार करना एपिसोड 2 का। तो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड ज़्यादा नहीं वीडियो पे 10 लाइक का एम है क्योंकि यार मुझे पता ही उतना ही कराओगे तुम लोग, चलो 10 नहीं 100 लाइक का एम है, जल्दी से करा देना। और भाई सब्सक्राइब करे बिना जाना मत, कितना अच्छा लगता है मुझे उसी मिलते है कि यहाँ पे बहुत शांति है, एक मिनट ऑन स्पॉट वो भी इतनी रात में। अरे क्राफ्ट भाई मेरी मदद करो भाई, मेरा सारा सामान पता नहीं कहाँ चला गया अपने आप में, आपने कुछ आर्मर वगैरह भी है क्योंकि उस बंदे ने मेरा पूरा आर्मर छीन लिया है, वो बंदा इतना ज्यादा चतुर है पता नहीं क्या कर रहा है, वो पता नहीं मेरा अचानक से इन्वर्टरी का खाली कैसे कर दिया उसने, इन्वर्टरी एक्स्ट्रा आर्मर था, डरो मत ज्यादा, कोई बात नहीं मैं हूँ तुम्हारे साथ। अनस्पॉट ऐसे क्यों बोल रहा था जैसे उसके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया, बट वो बता भी तो नहीं रहता कि किसने अटैक किया, मुझे लगता है ये उन्हीं बंदों की करामत है, उन्होंने हमारा बहुत जीना आराम कर रखा है, अनस्पॉट के साथ उन्हीं लोगों ने कुछ किया होगा। अश्विन भाई क्या प्रॉब्लम है, आप इतना डरे हुए क्यों और इतने जल्दीबाजी में क्यों, मुझे बताओ क्या हुआ, आओ चलो आप थक गए होगे लग रहा है मुझे, चलो बैठ के बात करते हैं। पहले अनस्पॉट अब अश्विन भाई ऐसी क्या चीज़ है, क्या चीज़, अरे
काफी भाई, हम जब पिछली बार गए थे जहाँ पे, वहाँ पे अचानक से बहुत सारे बिल्ड्स हो चुके हैं। अरे अश्विन भाई, आप होश में तो हो? आप सोए भी हो रात में या फिर आपने बुरा सपना देखा है? मैं आपको दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। ओके चलो, अब हम लोग देख ही लेते हैं क्या बनाया उसने दोबारा। हमारी सोचने की लिमिट एकदम से कम हो गई। कोई बंदा इतना तगड़ा कैसे बना सकता है? वो भी इतनी जल्दी लोगों ने कुछ ऐसी चीज देखी है इसके अंदर, ऐसी चीज जिसको देखने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है कोई ऊपर से हमें देख रहा है। और लिटरली हमें बहुत ज्यादा डर लगा, ऐसा लगा कि हम बस यहाँ से जल्दी चलो, कि यहाँ से हमें चलना चाहिए जल्दी। भाई अब आपको भी नहीं पता ये कौन कर रहा है और मुझको भी नहीं पता, अभी इसका पता सिर्फ एक ही बंदा निकाल सकता है जिसने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर को केस सॉल्व किया, जैसे सनपाई और वगैरह स्पॉटिफाई, और वही अब हमारा केस सॉल्व कर सकता है इजीली। भाई ऐसा बंदा है तो मुझे जल्दी बता, डिटेक्टिव इसके लिए हमारी मदद कर सकते हैं। अरे अश्विन भाई, आप कह रहे थे कुछ डिटेक्टिव के बारे में कह रहे थे, वो कहाँ रहता है मुझे बताओ, हम लोग चलते हैं साथ में। काली घाटी के पार जंगलों को पार करते हुए बर्फ के बीचों बीच रहता है, एंड हम लोग को थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे एक खाई है, अगर थोड़ा सा भी पैर फिसलता है तो हम लोग सीधा नीचे गिर सकते हैं, मर भी सकते हैं। कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। जंगलों के पार पता नहीं उसको क्या लगा, बट उसे अकेले रहना बहुत पसंद है, तो आओ चलते हैं। डिटेक्टिव का घर यही है, पहुंच तो गए, कुछ रास्ते में हुआ तो नहीं। चलो बेल बजा के देखते हैं, शायद से घर पे होगा या नहीं होगा। बेल बजा रहा हूँ। अरे इतनी देर से बेल बजा रहा हूँ, कोई आ क्यों नहीं रहा है? 1:30 हो गया क्या? भैंस की टांग मेरा हाथ दर्द करने लगा। अरे अश्विन भाई गुस्सा मत करो, लगता है डिटेक्टिव घर पर नहीं है। अरे यार अगर डिटेक्टिव नहीं मिला ना तो ये केस मिस्ट्री ही रह जाएगी और हमें कभी पता नहीं चलेगा कि हमारे डार्कनेस में कौन ऐसा कर रहा है, और वो दिन दूर नहीं है कि हमारा घर एक दिन छीन लेंगे वो सब। मुझे तो अभी बहुत डर लग रहा है, अब कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं। अरे आप क्यों चुप हो भाई, मुझे कुछ बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चुपचाप बैठे हो भाई एकदम से। अरे यार कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि यार कैसे हम डिटेक्टिव से मिले, क्योंकि घर पे भी डिटेक्टिव नहीं है तो हम कर भी क्या सकते हैं। वैसे मेरे मन में एक क्वेश्चन था, वैसे आप अनस्पॉट को जानते हो? हाँ, वैसे क्यों क्या हुआ? अरे कुछ नहीं ऐसे ही। वैसे वो मुझे 4 दिन पहले मिला था और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, एंड कुछ बंदों ने शायद उस पर अटैक कर दिया था तो उसका आर्मर वगैरह सब छीन लिया था उन्होंने, एंड उसकी पूरी इन्वेंटरी क्लियर कर दी थी। तो मेरे से आया था मदद मांगने की ग्राफ से, भाई मेरी मदद कर दो, मेरे को मैं भूखा भी हूँ, खाना भी नहीं खाया मैंने बहुत दिनों से, तभी मैंने तुम्हें इसी मदद कर दी। अच्छा आपको पता है कि वो कहाँ रहता है? मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ रहता है।
चलो छोड़ो, आपने लिली पीस का नाम सुना है क्या? नहीं भाई, क्यों, लिली पीस में क्या है? अरे भाई, लिली पीस में ही वो वन स्पॉट रहता है। ओ, ऐसी बात है क्या? हाँ। ओ, तो आप ये कहना चाहते हो कि वन स्पॉट को पता हो कि वो बंदा कैसा दिखता है एंड वो जिसने हमला किया था उस पे, तो आप यही कहना चाहते हो ना सिंह भाई? हाँ। तो चलो फिर चलते हैं लिली पीस में, वन स्पॉट से मिल के आते हैं, कहीं उसे कोई इस केस के बारे में पता हो तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, हम डिटेक्टिव के घर पे बाद में भी आ सकते हैं। अरे यहाँ तक तो आ गए अश्विन भाई, अब कहाँ पे जाना है बताओ? उस नदी को पार करके लिली पीस का डायमेंशन आता है, वहीं पे रहता है स्पॉट। अरे अश्विन भाई, ये नदी तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, कैसे पार करेंगे इसको? भाई मुझे तो डर लग रहा है, काफी ज्यादा बड़ी है और गहरी भी है, एंड क्या करें? मैं बोट बना दे रहा हूँ, बोट से चलेंगे। हम लोग लिली पीस के लिए निकल ही चुके थे वहाँ से, और मुझे लगता नहीं था कि लिली पीस सही में एग्जिस्ट करता है डार्क पीस के अंदर, क्योंकि तीन डायमेंशन बहुत बड़ी बात होती है, एंड मुझे तो ये सब झूठ लग रहा था, बट देखते हैं सच्चाई क्या होती है। आगे जाके हमें लिली पीस का डब्बू मिलता है कि नहीं और अनस्पॉट रहता है कि नहीं इसमें, चलो पता लगाते हैं एंड आगे जाके हमें पता चलेगा। एंड ये क्या, यहाँ पर तो सही में एक टापू है, कहीं सही ये बात सच तो नहीं थी? ये भी डायमेंशन हमारे डार्क पीस जैसा है, बट यहाँ पे कोई ज्यादा रहता नहीं, तभी इसको हमारे डार्क पीस जैसा नहीं बनाया गया। भाई यही लिली पीस है क्या? यही है लिली पीस। कैसा है? अच्छा है, बट यहाँ पे ज्यादा बिल्स नहीं है। हाँ यार, क्योंकि ये अनस्पॉट का है तो इतने बिल्ड्स नहीं है, एंड लगता है कि अनस्पॉट फ्यूचर में बहुत कुछ बना सकता है, बट अभी के लिए अनस्पॉट ही रहता है यहाँ पे, तो वैसे अनस्पॉट को ढूंढता है। अरे क्राफ्टी भाई, इन विलेजर्स से पूछता है ना, इनको पता होगा। ए अश्विन भाई, आप पूछो ना। अब भाई क्या प्रॉब्लम है तुम दोनों को? ए तुम्हें तो पहले देखा ना यहाँ पे, कैसे हान रहे हो हमारे गाँव में? आपने अनस्पॉट को देखा है? अरे कुमार सा अनस्पॉट, अरे सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खाओ, एंड चले जाओ जहाँ से आओ, तुम्हारे पे मेरे को भरोसा और नहीं दिख रहा, तुम चोर जैसे दिख रहे हो। अरे सर, इसके चक्कर में मैं आपसे माफी मांगता हूँ, एंड ये नया नया आया है विलेज में तो इसको ज्यादा पता नहीं है। आप क्या बोल रहे थे, किसके बारे में पूछ रहे थे? अरे कोई नहीं, वैसे बताओ अनस्पॉट कहाँ है? अनस्पॉट सर तो बहुत दिनों से दिल्ली पेज में नहीं आए, और उनको हमने बहुत बार कॉल लगाने की कोशिश करी, बट किसी ने उठाया नहीं, तो हम लोग बहुत परेशान है आके नु कि अनस्पॉट सर को क्या हुआ एंड कहाँ पे है, किस हालत में है वो, एंड आप लोगों का भला होगा अगर आप लोग उनको ढूंढ के वापस ले आओगे। ओह तो ऐसी बात है, एक काम करते हैं, आप इधर जाओ एंड मैं इधर जाता हूँ, हम दोनों अलग होके ढूंढेंगे तो हमें जल्दी मिल जाएंगे अनस्पॉट। चलो 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 चलो, काम करते हैं, फटाक से उनको ढूंढते हैं। अरे अनस्पॉट, तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे? तुम्हारे विलेज वालों से मैंने बात करी, वो कह रहे थे तुम बहुत दिनों से आए नहीं हो, कहाँ चले गए थे? भाई हम लोग तुम्हें ढूंढने आए हैं, एंड तुम्हें कोई इस केस के बारे में पता भी है कुछ, इसके बारे में जिसने आपका आर्मर छीना था? अरे क्राफ्टी भाई, आपको एक ही बंदा बता सकता है ये बात है, क्योंकि मेरे को अगर पता होगा तो मैं उन लोगों से बदला ले लेता, बट मुझे भी नहीं पता कि वो बंदे कौन है। तभी मैं अभी बीच में कहीं गया हुआ था कि कहीं पे खोज वोज करने कि कुछ पता चले, बट मुझे कुछ पता नहीं चला, तभी मैं बहुत दिनों से विलेज में नहीं आया था। एक डिटेक्टिव है जो बड़े बड़े केस सॉल्व करता है, उसका नाम है डिटेक्टिव स्केली, आप उससे जाके मिल लो एक बार। अरे हम गए थे उसके पास, बट वो घर पे नहीं है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें यार हम लोग। एंड अश्विन भाई भी यार आए पड़े, आपको ढूंढने गए हुए हैं, बट आप मुझे ही मिल गए, एंड मैंने आपसे सोचा कि आपसे हम लोग यही पूछने आए थे कि आपको इस केस के बारे में कुछ पता भी है कि नहीं पता है, बस यही पूछने आए थे हम लोग, और कुछ नहीं। कोई नहीं, आप डिटेक्टिव घर पे 2-3 दिन बाद जाना, क्या पता वो घर पे हो, एंड आप उसी से बात करना, वो बहुत ज्यादा अच्छा डिटेक्टिव है एंड वो बहुत बड़े बड़े केस सॉल्व करता है। चलो ठीक है क्राफ्टी भाई, मैं चलता हूँ, मुझे और रिसर्च करनी है अभी, एंड मैं चलता हूँ, बाय। हम लोगों को लगता था कि अनस्पॉट को सब कुछ पता है, बट अनस्पॉट को भी नहीं पता था इसके बारे में, एंड वो तो चला गया, अब हमें जाना पड़ेगा डिटेक्टिव के घर कुछ दिनों बाद ताकि हमें पता चल सके, और अब लग रहा था कि डिटेक्टिव के बिना कोई और काम हमारा कर नहीं सकता। अरे डिटेक्टिव बाहर आ, सारे इतनी दिन से आ रहा हूँ तेरे घर के बगल में भटक रहा हूँ, नहीं आ रहा है भाई, बाहर निकल, एक तो घंटी बजाते बजाते हाथ दर्द हो गया मेरा।
मैं एसकी था। कौन हो तुम लोग और मेरे पे यहाँ पे क्यों आए हो और यहाँ पे मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हो ऐसे? साफ़ हो जाओ यहाँ से और निकल जाओ मैनेजर से। मैं तो तुम लोगों को जानता भी नहीं।